नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है कोलकाता मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 पर, जहां एक मामला पेश आया सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की गई। कुछ मरीज के परिजन आए, उनका कहना है सिक्योरिटी गार्ड का कि लगभग 150 से 200 लोग वो लोग आए थे और उनके साथ मारपीट करें। वजह यही था कि वो लोग पेशेंट को लेकर आए थे 5 नंबर गेट पर और 5 नंबर गेट मेडिकल कॉलेज का बंद रहता है किसी कारणवश, और सिक्योरिटी के पास चाबी नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने चाबी मांगी कि चाबी कहाँ है 5 नंबर गेट का, तो वो बोले मेरे पास चाबी नहीं है। और मजबूरन जो परिजन थे किसी बीमार व्यक्ति के, वो 2 नंबर गेट से लेकर आए पेशेंट को इमरजेंसी में और वहाँ पेशेंट का देहांत हो गया। उसके बाद गुस्साए परिजनों ने सिक्योरिटी पर हमला किया। चलिए अंदर बात करते हैं सिक्योरिटी से, जिनके साथ मारपीट हुआ कि आखिर मामला क्या हुआ था। दादा, क्या घटना हुआ था? 5 नंबर गेट के बाहर जो बोर्डिंग है, बोर्डिंग के एक हमारा स्टाफ है, हॉस्पिटल का स्टाफ है, वो ट्रॉपिकल का स्टाफ है, उनका अचानक तबीयत कुछ ख़राब हो गया था, इसलिए उधर का बोर्डिंग का सारे आदमी 5 नंबर गेट से घुसना चाहते थे। तो 5 नंबर गेट अस्पताल जो कर्तृपक्ष है, जो वो सब बंद करने का आदेश दिया था। बंद करने का मतलब जो पिछले जो वोट गया था ना, वो पुरसभा वोट, तो उससे पहले से ही बंद है। तो चाबी हमारे पास नहीं थे, तो चाबी बंद था, तो उसके बाद चाबी हम ऑफिस में दे दिया, मतलब कि जो हमारा जो कर्तृपक्ष है उसके पास चाबी जमा कर दिया। तो उन्होंने बोला कि चाबी खुलना होगा, तो मेरे पास चाबी नहीं था। तो उसके बाद मैंने सुना कि पेशेंट को 2 नंबर गेट से लेके इमरजेंसी में लेके आए, तो पेशेंट उसके बाद गुजर गया। तो उसी खौफ से हमारे ऊपर अटैक किया, तो हमको मारा पीटा, चश्मा मार के चश्मा भांग टूट गया, ऐसे टूट गया चश्मा। तो उसके बाद मेरे आँखों में भी चोट आया। कितने लोग थे? वो 150-200 आदमी था। 150-200 हाँ ना। मेरे पीटा, फेंक के जमीन में फेंक के पीटा, 7-8 आदमी मिलकर। उसके बाद कुछ प्रशासन वगैरह आया तो वो लोग गए? प्रशासन अभी तक नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो कल MSDP साहब आएगा, आज तो संडे है इसलिए बंद है, कल MSDP साहब आएगा, डिप्टी सुपर भी आएगा, हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर भी आएगा, वो जो कार्रवाई करेगा वही हम मान लेंगे। आप क्या चाहते हैं? आपके साथ मारपीट हुई तो आप तो कुछ चाहते हो? हाँ, हम तो चाहते हैं, हमारा पूरा उम्मीद है कि वो लोग स्टेप लेगा बस।